एलेक्स परेरा के कोच ने रिवील किया है कि एलेक्स परेरा का जो ट्रेनिंग कैंप होने वाला था UFC 307 का, उससे पहले ही एलेक्स परेरा हो गया था बीमार। तो इस वजह से एलेक्स परेरा ने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कैंप पूरा भी नहीं कर पाया। बस 3 हफ्ते ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग करके आके वो इस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया था। उसका रिब में भी इंजुरी था, वो सब दरकिनार करके वो इस तरह का परफॉर्मेंस बस 3 हफ्ते ट्रेनिंग करके दिया है। तो ये कहना था एलेक्स परेरा का कोच का। तो भाई साहब, ये सुन के तो सलूट है एलेक्स परेरा को। एलेक्स परेरा के जगह और कोई होता तो पुल आउट कर लेता इस फाइट से। लेकिन आपको इस बारे में जान के कैसा लगा दोस्तों, वो जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि जमाल हिल खुश नहीं लग रहा था एलेक्स परेरा का इस अमेजिंग परफॉर्मेंस को देख के। एलेक्स परेरा का परफॉर्मेंस देख के जमाल हिल वो सोने से पहले जो हामी आता है ना, वो कर रहा था वो। तो इसी को लेके जब एक रिपोर्टर ने एलेक्स परेरा से पूछा है कि जमाल हिल आपका परफॉर्मेंस देख के वो सो के उठा हुआ लग रहा था, वो ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा था, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? तो एलेक्स परेरा ने कहा है UFC 300 में जो वो मार खा के सो गया था ना, वो शायद आज उठा है, तो इस वजह से वो सुआ हुआ लग रहा है। तो ये सैवेज रिप्लाई दिया है एलेक्स परेरा ने जमाल हिल का उस रिएक्शन को। तो जमाल हिल तो डिजर्व करता है ये सैवेज रिप्लाई। तो इस बारे में आपको क्या लगता है दोस्तों? तो बात चल रहा है अगर एलेक्स परेरा का, तो मैं आपको बता दूं कि मागोमेद एनकलाइब ने भी एलेक्स परेरा को कांग्रेचुलेशन कहा है और कहा है तुम अपना जीत को सेलिब्रेट कर लो जितना सेलिब्रेट करना है, तुमने अपना फाइट को फिनिश किया है और मुझे भी अपना फाइट को फिनिश करना है, मैं भी अपना फाइट को फिनिश कर लूं उसके बाद मिलते हैं। तो मागोमेद एनकलाइब भी अभी पूरा हाइप्ड अप हुआ है एलेक्स परेरा का इस तरह का परफॉर्मेंस देख के। तो क्या आपको लगता है कि मागोमेद एनकलाइब भी अलेक्जेंडर रकिक के खिलाफ कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस दे पाएगा? अगर दिया तो क्या उसके बाद UFC वाले डिनाई कर पाएगा कि मागोमेद एनकलाइब डिजर्व नहीं करता है फाइट करने के लिए एलेक्स परेरा के साथ? दोनों के ही पास प्रूव करने के लिए बहुत कुछ होगा उस फाइट में, इसलिए कि मागोमेद एनकलाइब इतना सारा विनिंग स्ट्रीक के साथ है और सभी सोच रहा है कि मागोमेद एनकलाइब भी एलेक्स परेरा को हरा पाएगा। और एलेक्स परेरा के पास ये प्रूव करने को रहेगा कि एक अच्छा खासा ग्रैपलर के साथ वो अगर जीत जाता है तो ये प्रूव कर देगा कि ग्रैपलर हो या स्ट्राइकर, सभी को मैं हरा सकता हूँ। तो ये प्रूव कर सकेगा एलेक्स परेरा अगर एलेक्स परेरा हरा देता है मागोमेद एनकलाइब को। तो आप इंटरेस्टेड है या नहीं इस फाइट के लिए, वो जरूर हमें बताइएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।